Now, the second portion of the beta adrenergic adrenergic antagonist, that is beta adrenergic, and we start from the beta adrenergic antagonist. बीटा एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट बेसिकली आपके पास हमने स्टार्ट में हमने पढ़े थे हमारे पास बेसिकली रिसेप्टर्स जो हमने समरी पढ़ी थी डायग्राम्स की उसमें हमने देखा था कि बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से हैं। बेसिकली हमने जो है बीटा वन बीटा टू और के एंटागोनिस्ट देखे थे जो कि नॉन सेलेक्टिव थे। बीटा वन और बीटा टू पे एंटागोनिस्ट जो कि नॉन सेलेक्टिव थे एंड देन आपने देखा कि सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट बीटा वन पे कौन सा। अच्छा बेसिकली अफेक्ट आर लार्जली प्रेडिक्टेबल। बेसिकली बीटा वन का क्या अफेक्ट है, बीटा वन का अफेक्ट हमने डायग्राम में समरी में देखा था कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स को एनहांस करता है, जबकि बीटा टू का अफेक्ट क्या है आपके पास, बेसिकली बीटा टू का अफेक्ट ये है कि आपके पास जो है बीटा टू में जो है आपके पास रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कॉज करता है, जो कि बीटा टू के रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं, बीटा टू के रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं किसके अंदर मौजूद होते हैं, बीटा टू के रिसेप्टर्स हमारे पास लंग में मौजूद होते हैं, तो वो आपके पास रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स स्मूथ मसल्स कॉज कर रहे होते हैं। तो ये तो दो बीटा रिसेप्टर्स आपको मैंने बताए कि जो हमारे पास हैं इवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बॉडी के अंदर। अफेक्ट्स आर लार्जली प्रेडिक्टेबल, बेसिक लेवल का अफेक्ट जो है वो लार्जली प्रेडिक्टेबल हैं एंटागोनिस्ट के एडोसेप्टर एंटागोनिस्ट के, बेसिकली बेस्ड ऑन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेशंस एंड एडोसेप्टर सब टाइप प्रेजेंट ऑन अफेक्टर। जो भी आपके पास सब टाइप्स अफेक्टर से मौजूद है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रिसेप्टर साइट कौन सी अफेक्टर साइट से मौजूद है, दूसरा सिंपैथेटिक इनर्वेशन किस टाइप की है उस ऑर्गन की। तो आपके पास जो हर्ट मसल्स हैं उनके अंदर बेसिकली क्या करेगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करता है हर्ट की, बेसिकली कॉज क्या करता है डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉज करता है हर्ट रेट HR, हर्ट रेट को डिक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करता है। ऑक्सीजन डिमांड कैसे डिक्रीज होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होती है तो ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है। जितनी ज़्यादा आपके हार्ट मसल में कॉन्ट्रेक्शन होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उतनी ज़्यादा जब जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन होंगी उस एनर्जी के साथ उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपके पास क्या होगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया, तो ऑक्सीजन डिमांड अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाती है और बीपी को भी ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी आपके पास क्या होता है फॉल हो जाता है विदाउट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन आपके पास, यानी कि जो पोजीशन के साथ आ रही है ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को के साथ कॉज किए बगैर बीपी को डिक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के पेरिफेरल वेसल्स के साथ इसका कोई जो है वो बीटा रिसेप्टर्स का कोई लिंक नहीं है। अच्छा जी, पॉसिबल है कि ए वी ब्लॉक एंड हार्ट फेलियर जो है पॉसिबल ए वी ब्लॉक और हार्ट फेलियर जो है उसमें ये कॉज करते हैं। बेसिकली ए वी ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो है ये कॉज कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो आपके पास जो है हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हम जो है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो है वो देते हैं और हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में भी हम देते हैं। हार्ट ब्लॉक ए वी आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर ब्लॉक में इसलिए देते हैं बेसिकली क्योंकि हमारे पास जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है ये क्या होता है, इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन की वजह से मसल्स क्या होते हैं वो इस्कीमिक हो जाते हैं और इस्कीमिक होने की वजह से हार्ट के मतलब इस्कीमिक का मतलब समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन डिक्रीज हो गई, उनकी ऑक्सीजन डिमांड यानी कि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो इस्कीमिक हो गया। इस्कीमिक होने के बाद वो क्या होते हैं, वो फ्लेसिड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो है आपके जो मसल्स हैं वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एबिलिटी नहीं रखते। तो हार्ट फेलियर के अंदर भी पॉसिबली मतलब बहुत हर पेशेंट को हम ये नहीं रिकमेंड करते हार्ट फेलियर के अंदर, क्योंकि हार्ट आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कंडीशन है या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में, लेकिन हम इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में सम पेशेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अप टू सम एक्सटेंट यूज़ करते हैं। दैट इज वी यूज द वर्ड पॉसिबली वी यूज दीज बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट इन ए वी ब्लॉक एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक एंड हार्ट फेलियर। आईज में बेसिकली आपके पास क्या है, डिक्रीज सिलियरी मसल्स
आईज के अंदर ये डिक्रीज करता है स्लेरी मसल एपिथेलियल सेक्रेशंस को। बेसिकली क्या करता है कि आई में आपके पास जो स्लेरी मसल्स जो है स्लेरी एपिथेलिया है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है। तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है स्लेरी एपिथेलिया से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राऑक्युलर प्रेशर ग्लूकोमा के पेशेंट्स में, ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है कि आपके आई के अंदर एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता है, ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पाता है ग्लूकोमा में, जिसकी वजह से इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम बीटा एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट इन पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्युलर प्रेशर खुद ही डिक्रीज हो जाता है। लंग्स में हम इसे यूज करते हैं, लंग्स में आपके पास ये बेसिकली लंग्स में आपके पास ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करते हैं, क्योंकि बीटा एडिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, तो आपके पास जो बीटा टू के रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं लंग्स से, वो रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। अगर वो बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो आपके पास क्या होगा, स्पाजम होगा, कॉन्ट्रेक्शन होंगे, तो आपके पास ये ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करेगा एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर खास करके। मेटाबॉलिज्म में बेसिकली आपके पास डिले करता है हाइपोग्लाइसीमिया को, हाइपोग्लाइसीमिया होने को डिले करता है, क्यों, क्योंकि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज कर देता है। आप सोचेंगे जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिक्रीज हो रही है तो ग्लूकोज नहीं आएगा, नहीं, मसला यहाँ पे ये है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजिन की लाइसिस डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि अप टू सम एक्सटेंट स्टोर्स ग्लाइकोजिन के मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो लाइस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, पूरी तरह से लाइसिस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिन के स्टोर्स होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया डिले हो जाएगा। द बीटा एंटागोनिस्ट आर रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपके पास जो बीटा एंटागोनिस्ट हैं आर रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनका इजीली यानी कि रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कंपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकी जो है वो हाई है और हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कि आपके पास मेजर ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसकी वजह से इनका लार्ज वॉल्यूम है डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोपिनोलॉल एंड पेंटबुटोलॉल आर क्वाइट लिपोफिलिक, ये दीज टू ड्रग्स आर लिपोफिलिक इन नेचर, प्रोपिनोलॉल एंड पेंटबुटोलॉल जो एंड रेडिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज व्हाई दीज ड्रग्स कॉज द नाइटमेयर। वो पेशेंट जिनको जो है हम नॉन सेलेक्टिव दैट इज प्रोपिनोलॉल एंड पेंटबुटोलॉल देते हैं, वो पेशेंट जो कि आपके पास जो है नॉन सेलेक्टिव प्रोपिनोलॉल वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास नॉन सेलेक्टिव इन नेचर होती है, तो इन पेशेंट्स के अंदर क्योंकि ये आपके पास इजीली क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर में, तो ये नाइट मेयर्स कॉज करता है, लिपोफिलिक इन नेचर होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है ईजिली, जिसकी वजह से ये नाइट मेयर कॉज करता है। मोस्ट बीटा एंटागोनिस्ट हैव हाफ लाइफ, बेसिकली आपके पास 3 to 10 hours की इनके बीटा एंटागोनिस्ट की हाफ लाइफ होती है, और मेजर एक्सेप्शन एक्सेप्ट इस्मोलॉल, जिसमें आपके पास वो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स अफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स के आपके पास जो है हाफ लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इट इज़ 10 minutes, लेकिन एमरजेंसी कंडीशन वगैरह में यूज़ किया जाता है क्योंकि अफेक्ट बहुत फास्ट देता है, लेकिन क्योंकि रैपिडली बिकॉज रैपिडली हाइड्रोलाइज डेट इज़ वाई जो है इट पोजेस द शॉर्ट हाफ लाइफ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 minutes। प्रोपिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल एक्सटेंसिवली, बेसिकली आपके पास प्रोपिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल दोनों लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं विद लिटिल अनचेंज ड्रग अपेयरिंग, आपके पास जो स्मॉल पोर्शन होता है ड्रग का जो अनचेंज आपके यूरिन में अपेयर होता है, बेसिकली जो इसके एंजाइम है जिससे आपके पास मेटाबोलाइज होता है वो आपके पास साइटोक्रोम P450 सिस्टम का 2D6 है, 2D6, प्लीज रिमेंबर दिस एंजाइम, 2D6 जीनोटाइप का एंजाइम, बेसिकली आपके पास जो है ये 2D जो साइटोक्रोम 2D6 के मेजर डिटरमिनेंट्स हैं, बेसिकली डिफरेंसेस आते हैं यानी कि इस एंजाइम की अपेयरेंस के डिफरेंसेस आपके जीनोटाइप्स में मौजूद होते हैं, किसी में ये एंजाइम ज़्यादा अपेयर हो रहा होता है, किसी में ये एंजाइम कम जो है वो शो हो रहा होता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपके इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, दैट इज़ वाई आपके पास जो है इसके पेटोप्रोलॉल की प्लाज्मा क्लियरेंस जो है वो वेरी करती है। अच्छा, पुअर मेटाबोलाइजर्स आपके पास 3-fold to 10-fold हायर प्लाज्मा, जो आप जो पुअर मेटाबोलाइजर्स होते हैं जिनके पास ये एंजाइम कम होता है उनके अंदर
आपके पास जो है 3-4 से 10-fold तक के प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मेट्रोप्रोलोल की, जो आपके पास देन एक्सेसिंग मेटाबोलाइजर उन पेशेंट के मुकाबले में जो आपके पास ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देते हैं इस ड्रग को। समझ में आ रही बात बेटा, कि जो पुअर मेटाबोलाइजर्स होते हैं वो प्रॉपरली उनके लिवर में मेटाबोलाइज हो रही है ड्रग, खास करके मेट्रोप्रोलोल, तो ये आपके पास जो है वो पुअर मेटाबोलाइजर इस ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से 3 to 10-fold आपके पास हायर लेवल हो जाते हैं प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ मेट्रोप्रोलोल की बढ़ जाती है 3 to 10-fold इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एज कम्पेयर टू उन पीपल्स के अंदर जहाँ पे एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाती है। एटेनोलॉल एंड सिप्रोलॉल एंड पेंडोलॉल आपके पास बेसिकली लेस कम्प्लीटली मेटाबोलाइज, इसमें फुल कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होती है, ये लेस होती हैं कम्प्लीटली, जैसे फुल जो कम्प्लीट मेटाबोलाइज पोर्शन है वो उनका लेस होता है। नेडोलॉल जो नेडोलॉल आपके पास जो वो अनचेंज फॉर्म में यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है और इसकी सबसे आपके पास लॉन्ग हाफ लाइफ है, जितनी कि आपकी बाकी उम्र की नहीं है। बाकी आपने देखा कि 3 to 10 hours की रेंज में, जबकि आपके पास जो ये बीटा एंटागोनिस्ट है कौन सा है नेडोलॉल, ये 24 hours का होता है, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटागोनिस्ट है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ पोजेस करता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट विच एजेंट पोजेस द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ एंड विच एजेंट पोजेस द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। द हाफ लाइफ ऑफ नेडोलॉल इज प्रोलॉन्ग इन आपके पास और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है लीनर फेलियर के पेशेंट में, क्योंकि ये आपके पास जो है रीनल के थ्रू पास आउट होता है, तो अगर पेशेंट रीनल कॉम्प्रोमाइज है तो उस कंडीशन में आपके पास जो है इसकी हाफ लाइफ और प्रोलॉन्ग हो जाएगी। द एलिमिनेशन ड्रग सच एज प्रोपेनोलॉल मे बी प्रोलॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोपेनोलॉल मेटाप्रोलॉल की जो अफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं लिवर डिजीज के अंदर, डिमिनिश या फिर डिमिनिश हेपेटिक ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो टूवर्ड द यानी लिवर प्रॉपर नहीं हो उस कंडीशन में भी मेटाबोलिज्म प्रॉपर नहीं होगा ड्रग का, या फिर आपके पास जो हेपेटिक एंजाइम इनहिबिशन होगी, जो कोई ऐसी ड्रग दी हुई हो जो कि आपके पास जो है एंजाइम को इनहिबिट किया जिससे कि ये ड्रग मेटाबोलाइज होती है। इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो है जो ड्रग लिवर से पास हो रही है उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, नेम 4 beta 1 blockers आपके पास कौन से, एटेनोलॉल, इवोलॉल, एसबिटोलॉल, एमेटोप्रोलॉल, इनके जो है ब्रांड नेम्स भी दिए हुए हैं लेकिन आपको इनको रिमेंबर करने की ऐसे नीड नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर द जेनेरिक्स ऑफ दीज ड्रग्स। अच्छा, इन जनरल बीटा ब्लॉकर जो कि आपके पास ए और एम से स्टार्ट होते हैं वो कार्डियो सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं, जैसे मेटोप्रोलॉल, एसीबिटोलॉल, एटेनोलॉल, आपके पास क्या है दीज ड्रग्स आर कार्डियो सेलेक्टिव इन नेचर। आपके पास बीटा वन सेलेक्टिविटी आपके एब्सोल्यूट होती है, नो आपके पास एब्सोल्यूट बीटा वन सेलेक्टिविटी नहीं होती, क्यों, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बीटा वन सेलेक्टिव एजेंट जो हमने चार्ट पढ़ा था कि आपके पास बीटा वन के लिए सेलेक्टिविटी रखते हैं, लेकिन जो आपके पास जैसे ही आप इनकी डोज बढ़ाएंगे ये बीटा टू के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। एट हाई डोजेस दीज ड्रग विल ब्लॉक बीटा टू रिसेप्टर एज वेल। वट इज द मेन एडवांटेज ऑफ बीटा वन सेलेक्टिविटी का क्या एडवांटेज होता है, दीज ड्रग आर सम टाइम कॉल्ड आपके पास जो कार्डियो सेलेक्टिव एजेंट इनको कहा जाता है, बिकॉज आपके पास ये अनवांटेड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को डिक्रीज कर देती है। मेन एडवांटेज क्या है बीटा वन सेलेक्टिव का, कि जो बीटा टू ब्लॉकेट की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स प्रोड्यूस होता है ये उस अनवांटेड इफेक्ट को क्या करती है डिक्रीज कर देती हैं, हाइपोग्लाइसेमिक अफेक्ट्स को डिक्रीज कर देती हैं ऑफ नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर, ये हाइपोग्लाइसेमिक अफेक्ट्स को क्या करती हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या है ग्लाइसेमिक लेवल डिक्रीज होने लगते हैं उसके अफेक्ट को क्या करती हैं डिक्रीज कर देती हैं। क्या क्लिनिकल कंडीशन होनी चाहिए जो कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा रिसेप्टर्स के लिए मौजूद हो, एटेनोलॉल हाइपरटेंशन के पेशेंट को दी जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के पेशेंट को दी जाती है। जब इसकी हमारे पास पहले मसल में क्या होता है कि वो हार्ट मसल आपके पास हाइपरटेंशन के पेशेंट में हार्ट मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि प्रॉपरली ब्लड सप्लाई कर सके, उस कंडीशन में वो इस्कीमिक हो जाते हैं, इस्कीमिक होने के बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं, उन एरियाज के अंदर ना प्रॉपर ब्लड पहुंच रहा होता है ना प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही होती है, तो ये इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एस्मोलॉल, एस्मोलॉल बिकॉज ऑफ इट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपके पास जो है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 10 मिनट्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाती है ड्रग,
आपके पास बेसिकली इमीडिएट कंडीशन में यूज की जाती है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज की जाती है, जहां पे हमें इफेक्ट इसका इमीडिएट चाहिए। एंड देन हम फॉलो अप करते हैं विद अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, जैसे कि इस थायराइड स्टॉर्म के अंदर। थायराइड स्टॉर्म के अंदर हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, थायराइड स्टॉर्म के अंदर आपके पास थायरोक्सिन का रिलीज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब थायरोक्सिन रिलीज होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। उस कंडीशन में हम जो है बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ताकि जो है बीटा रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट की वो डिक्रीज हो सके। तो थायराइड स्टॉर्म में हम देते हैं इमीडिएट अफेक्ट के लिए इज़मोलॉल देते हैं, और ये सिर्फ आईवी एडमिनिस्टर की जाती है। अच्छा जी, एसिबिट्रोलॉल आकर हाइपरटेंशन में दी जाती है, मेट्रोप्रोलॉल हाइपरटेंशन में भी दी जाती है, एंजाइनल पेन में भी दी जाती है। एंजाइना बेसिकली आपके पास क्या होता है, एंजाइना बेसिकली आपके पास जब अपने ही हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट मसल्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लॉक हो जाए, तो वो होती है एंजाइना। एंजाइनल पेन में दी जाती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में दी जाती है। आपके पास मेट्रोप्रोलॉल जो है वो फर्स्ट आपके पास सिलेक्टिव यानी अल्फा बीटा वन सिलेक्टिव, ये फर्स्ट है बीटा वन सिलेक्टिव ड्रग है। टिमेलॉल आपके पास फर्स्ट ब्लॉकर है जो कि अप्रूव हुआ है आपके पास बेसिकली ऑप्थेल्मिक यूज के लिए। मेट्रोप्रोलॉल को हम बीटा वन सिलेक्टिव ड्रग के तौर पे यूज करते हैं हाइपरटेंशन की कंडीशन में ज़्यादातर, और टिमेलॉल को हम फर्स्ट वो बीटा ब्लॉकर है जो कि अप्रूव है ऑप्थेल्मिक पर्पस के यूज के लिए। बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन से हैं, नॉन सिलेक्टिव आपके पास जो है वो कौन कौन से हैं, नेडोलॉल, पेनबिटोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल, टिमेलॉल, सोटालॉल, लीवोबिनोलॉल आपके पास जो है, मेट्रोप्रोनोलॉल। अच्छा, इनमें से आपको जो नॉन सिलेक्टिव एजेंट है पिंडोलॉल याद होना चाहिए, प्रोपेनोलॉल याद होना चाहिए, टिमेलॉल याद होना चाहिए, सोटालॉल लाजमी याद होना चाहिए, एंड नेडोलॉल जो आपके पास लॉन्गेस्ट एक्टिंग एजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एंड पेनबिटोलॉल। अच्छा जी, बीटा टू सिलेक्टिव एजेंट में आपके पास एसिबिटोलॉल, एटेनोलॉल, बायोसोप्रोलॉल, इसोप्रोलॉल एंड मेट्रोप्रोलॉल, ये सारे एजेंट्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। जहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत कंडीशन निकलती है कि आप को छूट मिल सकती है या क्लिनिकली उनका यूज नहीं है, मैं उन ड्रग्स को जो है वो आपको कट डाउन करवा देती हूँ। नॉन सिलेक्टिव थर्ड जनरेशन में आपके पास क्या आते हैं, कार्टोलॉल, कार्बिडोलॉल, आपके पास बिसेंडोलॉल और जो है लेबिटोलॉल। इनमें से जो आपके एजेंट्स हैं कार्बिडोलॉल एंड लेबिटोलॉल आपको याद होने चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दैट कार्बिडोलॉल एंड लेबिटोलॉल इन द कैटेगराइजेशन ऑफ नॉन सिलेक्टिव बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। बीटा टू सिलेक्टिव एजेंट्स में नेबिवोलॉल एंड बिटैक्सोलॉल एंड सिलिप्रोलॉल, बेसिकली इनके अंदर आपको नेबिवोलॉल इज अ मोर clinically used agent. You have to remember nebivolol from this classification. It is beta 2 selective beta receptor antagonist. Beta beta receptor antagonist आपके पास propanolol. आपके पास क्या है non-selective agent? अब बेसिकली आपके पास प्रोपेनॉल, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि सिलेक्टिव को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, सिलेक्टिव को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन ये सिलेक्टिव एजेंट्स आपको अच्छी तरह से जो है वो याद होने चाहिए। अगर आप सिलेक्टिव याद रख लिए तो बाकी तमाम क्या है आपके पास, नॉन सिलेक्टिव है। तो एसिबिटोलॉल जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि ए और एम से स्टार्ट होने वाले एजेंट ज़्यादातर इसमें सिलेक्टिव होते हैं, जिसमें क्योंकि ए एसिबिटोलॉल, एटेनोलॉल और आपके पास मेट्रोप्रोलॉल ज़्यादा यूज होने वाले ड्रग है। बायोसोप्रोलॉल, इसमोलॉल आपके पास जो है वो भी नेबिवोलॉल और ये भी यूज होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग ये है आपके पास, तो ये आपको ज्यादा सिलेक्टिव एजेंट याद होनी चाहिए। प्रोपेनॉल इज अ प्रोटोटाइप, आपके पास प्रोपेनॉल अपनी क्लास का प्रोटोटाइप एजेंट है, मीन कि वो तमाम प्रॉपर्टीज रखता है जो बाकी तमाम एजेंट रखते हैं, जैसे ही प्रॉपर्टीज आगे भी एजेंट रखते हैं। अच्छा जी, इट इज अ प्रोटोटिपिकल टाइप प्रोटोटाइप ऑफ दिस क्लास, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इट इज क्रॉनिक, इट्स क्रॉनिक यूज एसोसिएटेड विद अफेक्ट ऑन ब्लड लिपिड्स, बेसिकली आपके पास इंक्रीज करता है जो क्रॉनिक अफेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है प्रोपेनॉल के साथ, क्योंकि लिपोफिलिक एजेंट है, ये LDL-C के लेवल इंक्रीज कर देता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल इंक्रीज कर देता है।
फर्स्ट बीटा एंटागोनिस्ट इंट्रोड्यूस क्लिनिकली, आपके पास सबसे पहला एजेंट था जो कि क्लिनिकली इंट्रोड्यूस किया गया हमारे हाईली लिपिड सॉल्युबल है, इसकी वजह से इजीली क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसकी वजह से ड्रॉसिनेस नाइटमेयर का प्रॉब्लम आता है, नाइटमेयर्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें, ये याद रखिएगा। इसे मैं यहाँ पे स्लाइड में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये नाइटमेयर्स कॉज करता है, इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट है इट कॉजेज द नाइटमेयर्स बिकॉज इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर। लो ओरल बायो अवेलेबिलिटी है, 30% आपके पास इसकी ओनली 30% जो है वो बायो अवेलेबल होता है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन बाय ओरल रूट, और आपको बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इट पजेस द लोअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। प्रोपेनोलॉल इनहिबिटर स्टिमुलेशन, आपके पास प्रोपेनोलॉल ना सिर्फ जो है वो बेसिकली बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है बट इट ऑल्सो ब्लॉक इनहिबिट द स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन प्रोडक्शन। रेनिन आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल्स कॉज करता है ब्लड वेसल्स, तो ये आपके पास इसकी स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देता है, रेनिन आपके रेनिन की स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे आपके पास जो है इनहिबिट द स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन प्रोडक्शन, रेनिन प्रोडक्शन बाय कैटेकोलामिन मीडिएटेड बीटा वन रिसेप्टर साइट्स के थ्रू अफेक्ट के थ्रू रेनिन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। इट इज लाइकली दैट प्रोपेनोलॉल इफेक्ट इज ड्यू टू द पार्ट ऑफ डिप्रेशन, आप वो कह सकते हैं कि आपके प्रोपेनोलॉल का जो अफेक्ट है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट करने की वजह से भी आता है। रेनिन आपके पास एक वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है रेनिन एंड एंजियोटेंसिन सिस्टम मिलके, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो वॉल्यूम बढ़ा देता है ब्लड का, तो इसको इनहिबिट होने की वजह से जो है आपके पास हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता। जब वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेशर आपके हार्ट कॉम्प्रोमाइज है बेसिकली हाइपरटेंशन के पेशेंट का हार्ट, तो आपके हम वॉल्यूम को कम रखना चाहते हैं, एल्डोस्टेरोन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं। बाकी तमाम एजेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्डियो सेलेक्टिविटी, बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स क्या करते हैं बेसिकली आपके पास लेस अफेक्ट ऑन वेस्कुलेचर, ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई ज़्यादा अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर अफेक्ट प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करते, यूट्रस पे प्रोड्यूस नहीं करते, एंड मेटाबॉलिज्म सेवर एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर ये सेव सेलेक्टिविटी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर सेव है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के पेशेंट के अंदर क्या है ये आपके पास जो सेलेक्टिव एजेंट्स हैं वो सेव हैं। इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखते हैं की वजह से, इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखने की वजह से क्यों, इनमें से कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी मीन्स कि वो आपके पास अफेक्ट्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को अपटू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं से बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से आपके पास ब्रैडीकार्डिया लेस कॉज करते हैं क्योंकि हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनको रिफ्लक्स में क्या कॉज करना चाहिए, टैकीकार्डिया कॉज करना, बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास जो है हार्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से आपके पास जो है वो रिफ्लक्स अफेक्ट में लेस ब्रैडीकार्डिया होता है, एकदम डिक्रीज होता है टैकीकार्डिया कम होता है, लेस ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से टैकीकार्डिया रिफ्लक्स में नहीं आता, सिर्फ हार्ट रेट के ऊपर अफेक्ट आ रहा है, वेस्कुलेचर पे कोई अफेक्ट नहीं है। जब वेस्कुलेचर पे अफेक्ट आता है तो रिफ्लक्स अफेक्ट बढ़ जाता है, जब वेस्कुलेचर पे अफेक्ट आता है तो रिफ्लक्स अफेक्ट बढ़ जाता है, तो रिफ्लक्स अफेक्ट इसमें नहीं है जिसकी वजह से लेस ब्रैडीकार्डिया, और मिनिमल चेंज है प्लाज्मा लिपिड लेवल के अंदर, बहुत डिक्रीज लेवल के ऊपर चेंज कर कॉज करते हैं जो कि सिलेक्टिव होते हैं। अदरवाइज जो कि नॉन सेलेक्टिव हैं वो आपके लिपोलाइसिस करने की वजह से ट्राइग्लिसराइड और आपके एलडीएल के लेवल्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं, जैसे हमने प्रोपेनोलॉल में देखा। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं कि नो सीएनएस एंट्री, जैसे प्रोपेनोलॉल की एंट्री थी सीएनएस में, इसमें आपके पास नो एंड सीएनएस एंट्री, तो नो आपके नो नाइटमेयर और ड्रॉजीनेस, कोई नाइट और ड्रॉजीनेस प्रोड्यूस नहीं करते आपके पास, नो सीएनएस एंट्री ऑफ एटेनोल एंड रेडोलॉल में, कोई आपके पास सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होते, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते क्योंकि ये लिपोफिलिक एजेंट्स नहीं हैं, दीज आर हाइड्रोफिलिक एजेंट्स। लॉन्ग हाफ लाइफ है ऑफ कार्बेडोलॉल एंड रेडोलॉल, कि आपके पास इनमें जो दो एजेंट है,
ज्यादा एरोलॉल और कार्बेडेरॉल की हाफ लाइफ लॉन्ग होती है। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ एजेंट, स्मॉलेस्ट हाफ लाइफ आपको, यानी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ और लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ आपको याद करनी है। कंबाइन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी जो है आपके पास कार्बेडेरॉल और लैबेडेरॉल में, यानी कि ये आपके पास जो बीटा ब्लॉकर है कार्बेडेरॉल एंड लैबेडेरॉल, इनके अंदर इंट्रिंसिक अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी मौजूद होती है, इंट्रिंसिक अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी ये रखते हैं। ना सिर्फ अल्फा बीटा ब्लॉकर अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करते हैं कार्बेडेरॉल एंड लैबेडेरॉल। बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स जो है वो क्रॉनिकली बेसिकली दी जाती है, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट जो क्रॉनिकली दी जाती है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए हाइपरटेंशन के पेशेंट में, बट डू नॉट कॉजेज हाइपरटेंशन इन हेल्दी इंडिविजुअल। लेकिन ये आपके पास ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर कोई हाइपरटेंशन कॉज नहीं करते। ब्लॉकर ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल में लीड टू एन इंक्रीज इन एयरवे रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, लेकिन उन पेशेंट्स के अंदर जो नॉर्मल होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन जो पेशेंट एस्थमा के होते हैं उनके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं, उन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक होता है। उन पेशेंट्स को ना दिया जाए तो यही ज़्यादा उनके लिए सेफ है। बीटा ब्लॉकिंग एजेंट रिड्यूस इंट्राऑक्युलर प्रेशर, जैसे हमने पहले पढ़ा, दैट इज बिकॉज दे ब्लॉक द एक्वासीमा प्रोडक्शन फ्रॉम द सिलियरी एपिथेलिया। तो यहाँ पे आपके पास एक्वासीमा की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्राऑक्युलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ग्लूकोमा के पेशेंट में हम इन बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। द मैकेनिज्म एज यूजुअली रिपोर्टेड इज डिक्रीज एक्वासीमा प्रोडक्शन, एक्वासीमा की प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सच एज प्रोपेनोलॉल इनहिबिट, बेसिकली आपके पास जो है बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो प्रोपेनोलॉल है इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन को, जिसमें आपके पास लिपोलाइसिस को स्टॉप करेगा, जिसमें बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। क्रॉनिक यूज ऑफ बीटा एडेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट हैज बीन एसोसिएटेड इंक्रीज आपके पास जो है सॉरी बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सच एज प्रोपेनोलॉल आपके पास जो कि इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, वो बेसिकली आपके पास ये पूरा जुमला यहाँ पे डिस्कनेक्ट होगा, वहाँ पे आपके पास लिपोलाइसिस कॉज करता है, इट कॉजेज द लिपोलाइसिस आल्सो। तो यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा मेजर एडवर्स इफेक्ट ही प्रोपेनोलॉल का ये क्या आता है कि प्लाज्मा लेवल इंक्रीज कर देते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के VLDL, और डिक्रीज करते हैं जो कि गुड लिपोप्रो आपके पास जो है गुड लिपिड जो है आपके पास क्या है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इनके लेवल को डिक्रीज करते हैं, ये हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि VLDL हमारे पास जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। जितने भी आपके पास जो फैटी एसिड या लिपोलाइसिस की वजह से फैटी एसिड बनते हैं या ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो आपके पास लिपिड्स को हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए सेफ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो है रिएक्टिव इन नेचर के होते हैं, ये दूसरे एजेंट्स के साथ मिलके आपके पास जो है वो डिफरेंट स्पीशीज बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एजिंग का प्रोसेस है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड्स या आपके पास LDL के लेवल क्या है वो डिक्रीज होने चाहिए, जो कि मेन प्रॉब्लमेटिक अफेक्ट है प्रोपेनोलॉल का, क्योंकि लिपोलाइसिस कॉज करता है। अच्छा, ये कुछ टेबल्स हैं जिनमें आप देखेंगे प्रोपेनोलॉल इज नॉट अ कार्डियोसेलेक्टिव एजेंट, पार्शियल एगोनिस एक्टिविटीज इसकी नहीं होती, कि बेसिकली पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी नहीं रखता। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी इसमें मौजूद है, बेसिकली मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करता है, क्योंकि यह कोई डिफरेंट पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी नहीं रखता। एसीबिटोलॉल आपके पास जो है वो कार्डियो सेलेक्टिव है, लेकिन पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी स्लाइटली इसके अंदर मौजूद है, लेकिन मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी मौजूद नहीं है। एटेनोलॉल आपके पास जो है वो इसके कार्डियो सेलेक्टिव है, बेसिकली एटेनोलॉल इज कार्डियो सेलेक्टिव, पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी नहीं है आपके पास, लेकिन जो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी नहीं है। अच्छा, बीटेक्सोलॉल आपके पास कार्डियो सेलेक्टिव है, लेकिन पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी पोजेस नहीं करता, आपका स्लाइटली मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी पोजेस करता है।
टिटोलॉल आपके पास जो है कार्ड इफेक्टिव नहीं है, स्लाइटली पार्सिटागोनस एक्टिविटी रखता है जबकि मेम्ब्रेनलाइजिंग एक्टिविटी भी नहीं रखता। इसमोलॉल आपके पास दिस इज अ कार्ड इफेक्टिव एजेंट, पार्सिटागोनस एक्टिविटी नन, आपके पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी नन। अच्छा जी, सिलेक्टिविटी और नॉन सिलेक्टिविटी का चार्ट तो आपने पहले देख लिया। इस चार्ट से जो आपने मेन चीज पढ़नी है वो ये है कि पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी कौन से एजेंट रखते हैं। जो पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी रखते हैं वो बेसिकली आपके पास जो है उनके अंदर जो है ब्रैडीकार्डिया के सिम्टम्स और डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन साथ में डिपेंड करता है वो किस रिसेप्टर साइट के ऊपर पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी रख रहे हैं, कि अल्फा वन तो नहीं है, अल्फा टू तो नहीं है बेसिकली, तो ये आपके पास जो है डिपेंड करेगा। अब हमने सिलेक्टिविटी पहले देख चुके हैं, पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी देखी। अब लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, एसिबिटोलॉल लोकल एनेस्थेटिक एक्शन रखता है और लिपिड सॉलिबिलिटी इसकी लो है, हाफ लाइफ इसकी 3 to 4 hours है। यहाँ पे आपके पास एटेनॉल जो बीन, जिनकी आपको हाफ लाइफ वगैरह तमाम चार्ट आपको याद होना चाहिए वो कौन से दिन है। एसिबिटोलॉल का अच्छी तरह से पढ़ लें, एटेनॉल अच्छी तरह से पढ़ें, बाइजोप्रोलॉल को अच्छी तरह से रिमेम्बराइज करें, कार्बिडोलॉल, एजमोलॉल, लैबिडोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड नर्डोलॉल एंड प्रोपेनॉल, सोटोलॉल एंड टेमेलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनॉल, सोटोलॉल एंड टेमेलॉल, एसिबिटोलॉल, एटेनॉल, बाइजोप्रोलॉल, कैबिडोलॉल, इज़मोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड नर्डोलॉल। ये आपने अच्छी तरह से पढ़कर आने हैं, इनके इनके लिए चार्ट अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। लोकल एनेस्थेटिक एक्शन इसलिए हम बोल रहे हैं बेसिकली आपके पास, क्योंकि ये क्या करते हैं आपके पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो आपके पास जो है लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो एसिबिटोलॉल है, जिनके अंदर अप टू सम एक्सटेंट पार्शियल एक्टिविटी होगी, वो अप टू आपके पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट ज़्यादातर प्रोड्यूस करते दिखेंगे आप। जैसे आपके पास जो है इसकी पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आपके पास जो है अब डिपेंड यही है ना कि पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी कहाँ पर है। आपके पास बेसिकली पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी की वजह से अगर हमारा पेनिसिलिन का रिलीज बढ़ेगा तो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ये ड्रग्स, लेकिन अगर उसके अलावा भी कहीं और रिसेप्टर्स का इफेक्ट, यानी कि वेसल के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपके अल्फा वन की क्या मौजूद है, अल्फा वन की अगर ब्लॉक हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर अल्फा वन के ऊपर फर्दर इफेक्ट, ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो कभी भी जो है वो आपकी लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सही है। अब देखें लैबिडोलॉल पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी रखता है, इसके लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी रखता है। अच्छा, मेटोप्रोलॉल की पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन रख रहा है। कुछ चीज़ों के हमारे पास मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते। अब पिंडोलॉल है, ये आपके पास देखें पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी रखता है, इसी वजह से ये लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी रख रहा है। अच्छा, प्रोपेनॉल आपके पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट रख रहा है लेकिन पार्शियल एगोनिस एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि हमने मेटोप्रोलॉल में देखा वैसे ही प्रोपेनॉल में भी। अच्छा, लिपिड सॉलिबिलिटी आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लिपिड सॉलिबिलिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो लिपिड सॉलिबल एजेंट होता है वो प्रोपेनॉल, जो ज़्यादा यूज भी होता है उसकी हमें पता होनी चाहिए कि लिपिड सॉलिबिलिटी क्या है। हायर आपके पास लिपिड सॉलिबिलिटी है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला एजेंट है प्रोपेनॉल, इसकी लिपिड सॉलिबिलिटी। हमारे पास जो है मेटोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल की लिपिड सॉलिबिलिटी मॉडरेट होती है, जबकि एटेनॉल और आपके पास जो है वो एसिबिटोलॉल की बिल्कुल लो है लिपिड सॉलिबिलिटी। तो जो एजेंट मैंने आपको बताए हैं उनकी अच्छी तरह से आपने ये तमाम चीज़ें कवर करनी है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे स्मॉल किसकी है वो आपने अच्छी तरह से जो मैंने एजेंट बताए हैं उनमें देखना है।
अब इस चार्ट को आप जो है वो सेडेशन वाइज देखें, एसीबिटोलॉल में आपको सम एक्सटेंट सेडेशन होती है, एटेनोलॉल के अंदर नहीं होती, इथमोलॉल के अंदर क्योंकि आईवी दिया जाता है आपको सम एक्सटेंट सेडेशन कॉज करता है, लैबिटोलॉल भी कॉज करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सेडेशन कॉज कर रहा है वो कौन सा है, प्रोपेनोलॉल एंड उससे उससे कम जो है वो टिमेनॉल। क्लिनिकल यूजेस आप यहाँ से देख सकते हैं इसके, एंजाइना हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया इसको। एथमोलॉल एंटी एरिथमिक एजेंट है, आईवी फॉरन दिया जाता है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए दिया जाता है। लैबिटोलॉल आपके पास ऑल्सो देखें आप इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहाँ मेंशन है कि अल्फा वन ब्लॉकर है, और हाइपरटेंशन में भी हम जो है बेसिकली ये यूज किया जाता है। लैबिटोलॉल आपके पास बेसिकली क्या है, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट है, लेकिन आपके पास अल्फा वन को भी ब्लॉक कर देता है, इस वजह से हाइपरटेंशन में हम इसे यूज करते हैं, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर जिसमें आपके पास अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है, तो उसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि अल्फा रिसेप्टर्स को भी डायलेट कर दिया जाए और आपके जो है हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर दिया जाए, इसमें इंक्लूडिंग फियोक्रोसाइटोमा। इस कंडीशन में फियोक्रोसाइटोमा के अंदर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको हम कंट्रोल करते हैं बाय ब्लॉकिंग बीटा वन इफेक्ट और अल्फा वन इफेक्ट। मेटोप्रोलॉल एंजाइना में दिया जाता है, आपके पास एचटीएन में दिया जाता है, पोस्ट मायोकार्डियल एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एंटीरिथमिक्स, यानी कि एंटीरिथमिक्स के तौर पर, यानी कि जो रिदम को प्रॉपर करें, हार्ट की रिदम एसोसिएटेड होती है साइनो एट्रियल एंड एवी नोड से, साइनो एट्रियल नोड जो है हार्ट की रिदम को कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपके पास एंटीरिथमिक के तौर पर मेटोप्रोलॉल यूज की जाती है। पिंडोलॉल एंजाइना और हाइपरटेंशन में दी जाती है। पोस्ट एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मीन्स कि आपके पास जो है जहाँ पे आपके मसल्स के तकरीबन इन्फार्क्ट बन जाए, उसके बाद जो है हम प्रोपेनोलॉल पे करते हैं ताकि जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन की वजह से दोबारा मसल्स जो है वो फटीग ना हो। मिग्रेन ट्रेमर परफॉर्म आपके पास जो है हमने परफॉर्मेंस एंजाइटी में यूज़ किया जाता है, और थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में आपके पास क्या है कि थायरॉयड का रिलीज बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, उस कंडीशन में प्रोपेनोलॉल देते हैं ताकि हार्ट रेट रिलीज किया जा सके। टिमेलॉल मिग्रेन में दिया जाता है क्योंकि आपके पास जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, इसलिए जो है हम यहाँ पे ऐसे मिग्रेन में भी देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि मिग्रेन में देते हैं और ग्लूकोमा के पेशेंट को भी देते हैं। अच्छा जी, फार्माकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन में बेसिकली कहाँ पे स्टेपिक, यानी कि न्यूरोनल स्टेप के अंदर क्या होता है, ट्रांसमीटर सिंथेसिस न्यूरोनल स्टेप है, इसके अंदर सिंथेसाइज होते हैं, रिलीज फिर रिसेप्टर इंट्रैक्शन होता है, एंड देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर इफेक्ट, जैसे अबॉलिश हो गया इफेक्ट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें यहाँ पे आपके पास इन शॉर्ट डिस्कस किया हुआ है कि हेमिकोलोनियम जो कि आपके पास क्लोनीन कोलीन को ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, इसकी वजह से क्या होता है एसिटाइल कोलीन का इफेक्ट क्या होता है, लिमिट हो जाता है, लेट लिमिटिंग स्टेप है, एसिटाइल कोलीन का इफेक्ट एसिटाइल कोलीन सिंथेसिस जो है वो लिमिट हो जाती है, फिर कोलीन की ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाती है, और कोलीन आपके पास लेट लिमिटिंग स्टेप है इन द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलीन। एडिनर्जिक्स एंड नर्व एंड्स में क्या होता है कि अल्फा मिथाइल टायरोसिन जो है वो बेसिकली इनहिबिट कर देता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेसिस का, हम टायरोसिन लेते हैं जब अल्फा मिथाइल टायरोसिन की फॉर्म में टायरोसिन दिया जाता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेसिस क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं, इसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रीन क्या होता है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, सिंथेसिस नहीं हो पाती। मिथाइल डोपा इनहिबिट करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज को, बेसिकली आपके पास जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज है उसको मिथाइल डोपा इनहिबिट कर देता है, इसकी वजह से आपके पास क्या होता है डी कार्बोहाइड्रेटेड एंड हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, जो बेसिकली आपके पास क्या है मिथाइल डोपा जो है ना, आपके पास जो डोपामीन से आपके पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर और एपिनेफ्रिन बनता है, तो वो प्रॉपरली क्या होता है वो नहीं बन पाता क्योंकि आपके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो जाते हैं। अब आपके पास जो मिथाइल डोपा होता है ये एरोमेटिक फॉर्म में नहीं होता, ये क्या होता है ये अल्काइलेटेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जब ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिट हो जाते हैं तो ये अपने आप को यानी मिथाइल डोपा खुद डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है और हाइड्रोक्सिलेट हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा खाली नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, मीन्स के चेन प्रोडक्ट नहीं बनेगा,
एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बनता है अल्फा मिथाइल नॉरेपिनेफ्रिन, मींस कि आपके पास जो मिथाइल है वो फर्दर नॉरेपिनेफ्रिन में ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसमीटर रिलीज में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बोटुलिनम टॉक्सिन जो है क्लिनिकली यूज किए जाते हैं ऑक्यूलर मसल स्पाजम के अंदर, मसल डिस्टोनिया के अंदर और आपके पास स्पाजम्स के अंदर। क्यों, ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो है बेसिकली प्री सिनेप्टिक साइट से बाइंड कर जाते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को स्टॉप कर लेते हैं, वेस में कॉल ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्ट को, स्टोरेज वेसेस में नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ये वहाँ पे ये रेट लिमिटिंग उसका रिलीज क्या होता है जब वेसेस में बाइंड होंगी, क्योंकि वो गए ही नहीं एसिटाइल कोलिन वेसेस के अंदर, तो जब आपके पास डीपोलराइजेशन जनरल डीपोलराइज होगा नर्व तो उसमें क्या होगा, वेसेस खाली होंगे, जब वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में कोई एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। एडिनर्जिक एंड्स के ऊपर आपके पास जो ट्रांसमीटर रिलीज के ऊपर अफेक्ट आता है, ब्रिटाइलियम और गोनिडाइडिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्शन पोटेंशियल मेरे नॉरेपिनेफ्रिन के रिलीज को। यहाँ पे आपके पास नॉरेपिनेफ्रिन का फर्दर रिलीज नहीं होता, ये क्या हो रहा है, ब्रिटाइलियम एंड गोनिडाइडिन के थ्रू प्रिवेंट हो जाता है, नॉरेपिनेफ्रिन का रिलीज प्रिवेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एंटागोनिस्टिक टाइप अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बिटाइलियम और गोनिडाइडिन क्या कर रहे हैं आपके पास नॉरेपिनेफ्रिन के रिलीज को मीडिएट नहीं होने देते। अप टू सम एक्सटेंट ट्रांजिएंट रिलीज जो है वो इनके इन एजेंट्स के थ्रू अकर हो जाता है, क्योंकि ये नॉरेपिनेफ्रिन को बेसिकली डिस्प्लेस करते हैं स्टोरेज साइट्स की वजह से, तो बेसिकली अप टू सम एक्सटेंट रिलीज कर हो जाता है नॉरेपिनेफ्रिन का, ये डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी में उन्होंने डिस्प्लेस किया है, अगर क्वांटिटी कम है और आपके पास स्टोरेज ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप टू सम एक्सटेंट जो क्वांटिटी मौजूद होगी नॉरेपिनेफ्रिन की नर्व टर्मिनल में वो रिलीज हो जाएगी। टायरामीन एम्फेटामीन एफेड्रिन जो है वो बेसिकली आपके पास लिब्रेशन ऑफ ट्रांसमीटर्स कॉज करते हैं, इसका मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं। रिजर्वीन बाय इनहिबिटिंग वेसिकुलर अपटेक, आपके पास जो वेसिकुलर अपटेक होता है नॉरेपिनेफ्रिन का वो क्या करते हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं, बेसिकली आपके पास स्लो डिप्लीशन ऑफ नॉरेपिनेफ्रिन कॉज करते हैं रिजर्वीन, और इस तरह से एडिनर्जिक ब्लॉकेट कॉज होगा। साइटोप्लाज्मिक मोनोमाइन ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, सही है, ये बेसिकली आपके पास क्या करते हैं वेसिकुलर अपटेक को तो इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जो है स्लो डिप्लीशन कॉज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो है आपके पास साइटोप्लाज्मिक जो मोनोमाइन ऑक्सीडेटिव हैं वो वैसे भी मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। रिजर्वीन सिमिलरली डिप्लीट करता है आपके पास डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल्स को भी डिप्लीट कर देता है, जो बेसिकली मूड से एसोसिएटेड होते हैं और आपके दूसरे मेन फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रिजर्वीन जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है वो डिप्लीशन ऑफ मैनी ट्रांसमीटर, उनके डिप्लीशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। टेट्राएथाइल अमोनियम एंड ट्राइमेथोफैन एंड हेक्सामेथोनियम आपके पास क्या है, निकोटिनिक गैंग्लियोनिक एंटागोनिस्ट है, ये क्या है निकोटिनिक गैंग्लियोनिक, जो गैंग्लियन से मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ही एंटागोनाइज कर देते हैं। क्या कौन कौन से ड्रग्स हैं, टेट्राएथाइल अमोनियम ट्राइमेथोफैन और हेक्सामेथोनियम। अच्छा जी, डिकामेथोनियम बेसिकली आपके पास वो डीपोलराइजिंग ड्रग है जो कि सेलेक्टिवली कॉज करती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, यानी कि जो आपके मसल से मौजूद जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है डिकामेथोनियम। बेस ऑल क्लासेस मस्कुलर यानी कि तमाम टाइप जो है अभी रिसेप्टर टाइप के जो है वो एट्रोपिन से ब्लॉक हो जाती है। एडिनर्जिक में फिनाइलएफ्रिन जो कि अल्फा वन रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो आपके पास जो वो इंट्रैक्ट करता है, क्लोनिडीन अल्फा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट है रिलीज को डिक्रीज कर देता है, पेरोलसिन आपके पास अल्फा वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यूहेम्बीन आपके पास एग्जांपल है अल्फा टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की जो कि क्या है ये भी सिलेक्टिव है ये भी आपके पास। अच्छा जी, आइसोप्रोटिनोल बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, डोबिटामिन जो है आपके पास लिटरली सेलेक्टिव मायोकार्डियल बीटा वन रिसेप्टर एगोनिस्ट है,
रिलेटिवली बेसिकली आपके पास जो है वो बीटा वन के लिए सिलेक्टिव होता है, नॉट एब्सोल्युटली, रिलेटिवली। टर्बुटालिन आपके पास जो रिलेटिवली बीटा टू रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट होता है, और मेटोप्रोलोल ये आपकी, अच्छा जी प्रोपेनोलॉल आपके पास जो नॉन सेलेक्टिव बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, और मेटोप्रोलोल भी आपके पास रिलेटिव बीटा वन के लिए एंटागोनिस्ट होता है, लेकिन डोज बढ़ेगी तो ये एंटागोनिज्म उसे ही प्रोड्यूस करता है बीटा वन बीटा टू के ऊपर।